जी ने ये लसूड़े वगैरह सारे करके रखे हुए हैं, ये देखिए टेबल के ऊपर डाल दिए, क्योंकि मैंने पिछली दफा अचार डाला था वो ठीक नहीं था, डाला उबल रहा था ना, मैंने बोला उबलता क्यों है। अब ये देखिए ने इनको उबाइल करके रख लिया, लसूड़े लाई थी इनको उबाइल करके उन्होंने रख लिया। अब ये तकरीबन एक दो दिन तक पड़े रहेंगे, एक दिन का टाइम इनको देंगे, जब ये हुशक हो जाएंगे, अपना पानी वगैरह इनका हुशक हो जाएगा, फिर इसको ना नमक मिर्च वो करके ना सारा मिक्सचर करके, तो फिर उसके अंदर इसको लगा के उसके अंदर तेल के अंदर डाल लेंगे। और ये लेके जा रही है लसूड़े, काटने लगे हैं फल। फ्रेंड्स ये फल मैंने सारा रंग माड़ी शर्ट मंगवा के रख ली है। आज आपको जैसे मैंने पहले बताया मेरी सास का हतम है, तो हमारे घर आने मेहमान, तो मैं तो चले कर लेती फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ मतंजन। जरदा तो आपको पता हर गया भी बनता रहता है, पर मतंजन बना रही हूँ पहली दफा। दुआ मांगे फ्रेंड्स मेरा मतंजन सही तरह से बन जाए। मैंने चावल उबाइल करके रख लिए है, ये चावल उबाइल कर लिए मैंने, और चीनी वगैरह की चाशनी बना रही हूँ मैं अब, तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं साथ साथ। इधर मैं फर्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ मतंजन, क्योंकि सास का हतम था तो सबने आना था, तो दुआ भी कर रही थी अल्लाह करे सही बने, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। मेरे पास ये है कलर और तीन, एक है रेड ग्रीन और ये ठीक है मतंजन कलर, अब इसको मैं कलर लगाऊंगी। और ये देखिए जी, ये सारे मैंने ग्लासों में कलर को डाल लिया पानी के अंदर, और मैं अब ये लगाने लगी हूँ इसके ऊपर। दिखा हुआ था अपनी अम्मी को, क्योंकि बहन नहीं बनाती है, ये मैंने नहीं बनाया, मैं मतलब दूसरे बनाती हूँ जर्दा वगैरह। और ये देखिए मैंने कलर लगाने शुरू कर दिए, और ये देखिए जी मेरे लग रहे हैं कलर, मैंने दो कलर लगा रही है, ये तीसरा मैं लगाने लगी थी। लंबी लंबी लाइन्स लगाए ना, तो आपको पता वो सारा फिर मिक्स हो जाता है, और साथ अल्लाह लगा रही थी कि ये सही पके और सही हो, तो इधर मैंने लगा दिया दम। और उसके बाद मैं काटने लग पड़ी हूँ मैंगो, और मैंगो माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं, और आपको पता है पाकिस्तान के तो ऐसे ही बड़े खूबसूरत है और बड़े प्यारे हैं। मैं इधर मैं लेने लगी हूँ जैनब लोगों का और ममूना का टेस्ट। हाँ जी ममूना तैयारी है ठीक। हाँ जी ये देखिए रात का टाइम है और मैं बैठी हूँ सेन में, तो मैंने कहा चले टेस्ट लेते हैं। और ये देखिए जी, और अब्दुल्ला जी दबा रहे हैं अपनी नानों को, नानों को दबा रहे हैं अब्दुल्ला जी। ये टेस्ट दे रही है, ये देखिए बहुत सारा चाय का पानी बड़ा प्यारा। फिर होगी ये बारिश, देखे हवा अच्छी हंसी चल रही है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जब मौसम अच्छा होता है तो आपको पता है बच्चों की डिमांड ही खत्म नहीं होती, मामा मैक्रोनीस बना दे, तो मैं सोई हुई थी, तो शुक्र अल्लाह का अब ठीक हूँ। पता है सर में दर्द शुरू हो जाती है, और साल मेरा हो रहा है आजकल थोड़ा बहुत बीपी हाई, तो अब तो बीपी ठीक था नॉर्मल था, पर सर में दर्द पता नहीं क्यों रहती है। तो मैं बनाने लगी हूँ मैक्रोनीस, और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और दिखाते हैं अपना बेबी भी। मेरा बेबी नहा रहा है बारिश में, तो दिखाती हूँ मैक्रोनीस मैंने इसके अंदर डाल दी है, और अब ये थोड़ा सा उबाइल आएगा फिर इसको निकाल लेंगे। पता आपको देखिए जी कितनी हो रही है, और बेबी ये देखिए बेबी क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, बारिश हो रही है, बेबी नहा रहे हो, हाँ आराम से गिर ना जाना, आई सर फट जाएगा आपका। ये देखिए जी आसमान का नजारे, देखिए जी इतना मजेदार सालन बनाया है, जिसमें मैक्रोनीज ऐड करनी है हम लोगों ने, तो बारिश का मौसम भी और बंद गोभी हमारी खत्म हो गई थी, तो मैंने अपने भांजे को बोला मुझे ला दो, तो वो लेके आया और इसमें मैंने ऐड किए मैक्रोनीज। मेरी होगी रेडी, और मैंने थोड़ा सा दम मैन का लगा दूँ, तो फिर बच्चे खाते हैं, अजान का वेट कर रहे हैं, फिर 7 बजे का टाइम हुआ है, तो अजान का मैंने अजान के बाद खाना।
इधर मैं चाय बना रही थी और चावल मैंने भिगो के रख लिए थे क्योंकि बच्चों ने खा ली थी मैक्रोनीस और हस्बैंड जी के लिए चावल बना ली थी। मैं कहा चले जिसने चावल भी खाने के खा लेंगे क्योंकि बच्चे जब बारिश होती है तो बच्चे फिर कहते हैं ये बना दो मम्मा वो बना दो, और मैंने फिर बनाए। इधर चावल मेरे पक गए हैं।